सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेबसाइट के बारे में, जिसमें भी आप अपनी सेम फोटोज को डालकर आप आगे यूज कर सकते हो स्टॉक फोटोग्राफी के लिए। तो उसका नाम है बिग स्टॉक फोटोज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे, उसका नाम है बिग स्टॉक फोटो। ठीक है, ये भी ऑथेंटिक है, बेफिक्र होके आप इसमें डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे ही आप ये पहला लिंक क्लिक करोगे तो उसके ऊपर आपको ये कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सेल इमेजेस। सेल इमेजेस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसका नाम होगा हाउ टू सेल इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है साइन अप, देन है अपलोड योर इमेजेस, थर्ड है अर्न मनी और फोर्थ है ग्रो योर पोर्टफोलियो। क्लियर? तो बहुत ही इजी है, क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल्स मांगेगा, साइन अप पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये डिटेल्स भर लोगे आपका लॉगिन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा लॉगिन बना हुआ है, मैंने जस्ट ये नाम, कंप्लीट नेम और आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड ये मांगेगा। ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे ये आपको आपके अंदर के पेजेस पे ले आएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे नीचे लिखा होगा अपलोड इमेजेस। जैसे ही अपलोड इमेजेस पे ले आओगे तो आपको यहाँ पे अंदर ले चलेगा। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको इनबिल्ट ब्राउजर पे ही मिल जाएगा कि आपको अपनी फोटो को अपलोड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी फोटोज पड़ी हैं मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज पे क्लिक करके मैं यहाँ से फोटो अपनी सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो मेरी ये फोटोज पड़ी हैं, मैं यहाँ से ये फोटो अपनी ओपन कर रहा हूँ। तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि आप जेपैग फोटो अपलोड कर रहे हो। क्लियर, मैं ऐसे ही अपनी बहुत सारी फोटोज यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ये सारी फोटोज अपनी सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूं अपलोड इमेजेस। और आपके पास एक नया ऑप्शन भी है, अगर आपको ब्राउजर से दिक्कत आ रही हो, मेरा यहाँ से हो चुका है, मैं आपको फिर भी एक नया स्टेप बता रहा हूँ, अपलोड वाया FTP। FTP से अपलोड करने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं आई एम यूजिंग XPIC सॉफ्टवेयर। मैं उसकी एक झलक आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। XPIC सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आपको वेबसाइट पे ये मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, आपको साइन इन नहीं करना है सॉफ्टवेयर में, आपको जहां पे अपलोड करना है वो अकाउंट बनाना है। उसके लिए क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है, मैनेज अपलोड होस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी और मेरा यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं यहीं से अपना अपलोड करता रहता हूँ। मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ कि मैं बिग स्टॉक कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से बिग स्टॉक सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें आप अपना यूजर नेम भरिए और नीचे आप अपना पासवर्ड भी भरिए। ठीक है, जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे भर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन आएगा, तो टेस्ट कनेक्शन कीजिए। तो मेक श्योर ये आपका ग्रीन आना चाहिए, अगर ग्रीन नहीं आ रहा तो मे बी आपका यूजर नेम और या पासवर्ड कुछ भी गलत आपने यहाँ पे भरा है। क्लियर, तो जैसे ये ग्रीन आ जाएगा तो मतलब आपने यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो इसको क्लोज कर लीजिए, ऐड फाइल्स पे जाइए, जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। मैं जल्दी से इंपोर्ट करके आपको अभी मिलता हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपनी सारी फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं, ठीक है, मेरा सारा यहाँ पे, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कुछ भरना चाहें तो भर सकते हो। कुछ सबके लिए टाइटल और एक कीवर्ड डालना बहुत जरूरी है, तो मैंने एक एरो और एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आप ये वाला सेव पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपके पास अपलोड की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दिस वन। जैसे ही आप इस अपलोड पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे हमने अकाउंट बनाया हुआ है अपना, ठीक है, तो मैं यहां से क्लिक करूंगा, ठीक है, बिग स्टॉक अकाउंट पे अपने।
ठीक है, और स्टार्ट अपलोडिंग। तो इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट, सो प्लीज वेट टिल द अपलोडिंग इज कंप्लीटेड। सो लेट्स वेट। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स के बाद ये और कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इसको मिनिमाइज करके हम अपनी इस वेबसाइट पे जाएंगे। तो मैंने वो पहले भी कर रखा था, तो आई थिंक ये डबल ना हो गया हो, मे बी ओवरराइट भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, ओवरराइट ही हुआ है, डबल तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको अपनी जो सारी फोटोज हैं वो यहाँ पे एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस पे भी अपना वर्किंग कर सकते हो। जैसे ही वैसे ही आपको सबमिट करने के लिए क्या करना होगा, सपोज करो ये फोटो मैंने खोली, ठीक है, तो इसमें हम कुछ कीवर्ड्स लगाएंगे, टाइटल लगाएंगे और उसकी कैटेगरी चूज करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल प्लांट्स इन ए गार्डन नेचुरल, नहीं, स्मॉल प्लांट्स इन नेचुरल गार्डन व्यू, ठीक है। एक टिक लग गया, ये देखिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट स्मॉल गार्डन प्लांट्स एरिया नेचर रोड ट्री लीव्स, मतलब इस तरह से आप कुछ थोड़े से कीवर्ड्स इसमें लगाइए ताकि वो सर्चेबल में आए। जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाइए। नेक्स्ट मैं यहां पे लगाऊंगा नेचर, क्योंकि मेरा नेचर के रिलेटेड है, तो नेचर हो गया, ठीक है। लैंडस्केप्स कुछ होगा तो लैंडस्केप्स लगा दूंगा। उसके बाद मैं सेव एंड सबमिट कर दूंगा। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट करेंगे तो आपकी ये फोटो सबमिट हो जाएगी रिव्यू के लिए। जैसे ही वो रिव्यू हो जाएगी, वो अप्रूवल स्टेटस में आ जाएगी, आपकी अप्रूव्ड में आ जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है कभी कभी, क्योंकि सबमिट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्रूवल स्टेटस में आपको दिखाऊंगा, ये फोटो आपकी अप्रूव्ड स्टेटस में आ जाएगी कि वो कैसी है कैसी नहीं है। जस्ट होल्ड, ठीक है। तो इसने बोला ऑल इमेजेस 9, अवेटिंग अप्रूवल 1, पेंडिंग एडिट 8। तो मैंने 9 फोटोज लगाई थी जिसमें से एक अप्रूवल के लिए जा चुकी है, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट डन। तो आप ऐसे अपनी जितनी चाहे उतनी इमेजेस इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसमें वीडियोज नहीं आती हैं, इसमें सिर्फ इमेजेस आती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।